दोस्तों, हिंदी खबर शो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की सत्ता में 70 साल से अधिक समय तक दखल रखने वाली वहां की आर्मी 50 से ज्यादा बड़े बिजनेस भी चलाती है। दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में रखे गए आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक आर्मी का कुल बिजनेस करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। पाकिस्तानी आर्मी वहां का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। इसी वजह से आर्मी पाकिस्तान की सियासत में पूरा दखल रखती है। आर्मी वहां पेट्रोल पंप से लेकर बेकरी तक के कारोबार में शामिल है। आर्मी से जुड़े अलग अलग ट्रस्ट वहां पेट्रोल पंप से लेकर बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, बैंक, बेकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, होजरी कंपनी, डेयरी फार्म और सीमेंट प्लांट तक चलाते हैं। क्रेडिट स्वीस की अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी के 25 पूर्व अफसरों के स्विस बैंक में अकाउंट हैं। इसमें करीब 80,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जमा है। इसमें ISI के चीफ रह चुके जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान के अकाउंट में 15,000 करोड़ रुपए जमा है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक मेजर रैंक के ऊपर के 72 फौजी अफसरों को करप्शन के आरोपों में सस्पेंड किया जा चुका है। इमरान सरकार के कार्यकाल में भी 6 अफसरों पर करप्शन के आरोपों की जांच चल रही है। पाकिस्तान PM इमरान खान ने पिछले हफ्ते ही एक रैली में तंज कसते हुए कहा था कि इंडियन आर्मी में करप्शन नहीं है। आर्मी के पास पाकिस्तान के 8 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की कमान है। इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, पेशावर और क्वेटा शामिल हैं। कैंट एरिया के साथ प्रमुख शहरों के पाश एरिया में भी आर्मी जमीन आवंटित करती है। आर्मी के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री ने सभी अंगों के लिए ट्रस्ट बनाया हुआ है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और शाहीन फाउंडेशन एयरफोर्स और थल सेना के पूर्व कर्मियों के लिए है। बाहरिया फाउंडेशन नौ सेना के पूर्व कर्मियों के लिए है। बिजनेस से होने वाले फायदे को शेयर होल्डर रिटायर्ड फौजियों में बांटा जाता है। हाल में पनामा पेपर्स लीक में लेफ्टिनेंट जनरल शफा तुल्ला शाह की लंदन में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। मुशर्रफ के राष्ट्रपति काल में शाह दूसरे सबसे सीनियर अफसर थे। ISI के पूर्व चीफ मेजर जनरल नुसरत नईम की 2700 करोड़ की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आई हैं। अफगानिस्तान में 1980 के दशक में मुजाहिदीन लड़ाकों के लिए अमरीका से मिलने वाली मदद का सबसे बड़ा हिस्सा ISI चीफ रहे असद दूर ने हड़प लिया। सूत्रों के अनुसार असद दूर ने अफीम के कारोबार में पाकिस्तानी सेना और ISI के जासूसों को भी उतार दिया। बाद में हुई जांच में असद के स्विस बैंक में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति मिली। पाकिस्तानी सेना की क्वेटा कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा को जनरल पापा जॉन्स कहा जाता था। उन्होंने अपने परिवार के लोगों के नाम पर अमरीका के मशहूर पिज्जा चेन पापा जॉन्स में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पूर्व आर्मी चीफ अशफाक कियानी के दो भाई इस्लामाबाद के 15,000 करोड़ के हाउसिंग स्कैंडल में लिप्त रहे हैं। तो दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर